जमशेदपुर में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने का बाबला सामने आया है। एमजीएम में भर्ती बिरसा नगर निवासी एम सोए हृदय रोग से ग्रसित है। एमजीएम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुवार को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह 11 बजे तक उन्हें 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई है और इस कारण उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने गुरुवार को ही एम्बुलेंस के लिए फोन किया था। इस पर कहा गया कि आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है। शाम 4 बजे मरीज को एमजीएम से रिम्स ले जाया गया। करीब 30 घंटे बाद मरीज को एम्बुलेंस मिली। एमजीएम अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार का कहना है कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा गंभीर समस्या, और इसकी शिकायत राज्य में विभाग से कर दी गई है। करीब 30 घंटे के बाद मरीज को ये एम्बुलेंस की सेवा मिली। एमजीएम में भर्ती था हृदय रोग से ग्रसित मरीज, और ये एमजीएम की पहले भी ऐसी खबरें सामने आई है जिस पर लगातार अंकुश लगाने को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है और राज्य सरकार से भी इस पूरे मामले पर मदद की गुहार लगाई जा रही है। 30 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची और गुरुवार को एम्बुलेंस के लिए उन्होंने फोन किया था। सोच लीजिए आप, 30 घंटे के बाद यदि एम्बुलेंस पहुंच रही है तो मरीज की स्थिति क्या कुछ हुई होगी। एमजीएम में यह भर्ती था हृदय रोग से ग्रसित मरीज। लाइए आपका नंबर। नंबर देखिए मेरा कितना बार चलने फिरने सक रहा है। नंबर देंगे आपको, आपका मोबाइल दीजिए। 108 लगा के 11 बजे से ही कॉल कर रहे हैं। अब आधा घंटा में आएगा, एक घंटा में आएगा, कर करके कल तो दिन बीतेगी। आज भी फिर लगे हुए हैं जी, आज भी लगे हुए हैं, आज भी वही हो रहा है और बस होते जा रहा है। छुट्टी अब कल में परसों में मिल गया है, कागज बन गया कि वहाँ लेके रेफर करना है। अब वो रेफर कर रहे कर करने का है और एम्बुलेंस आएगा तभी तो जाएंगे। एम्बुलेंस आया ही नहीं। अभी हम बाबू को बोले तो अभी मेरा कर दिया है, अब एम्बुलेंस आने वाला है। हम बिल्कुल बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इसी खबर पर जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, 108 एम्बुलेंस की खबरें हमने इसके पहले भी दिखाई है, लेकिन एमजीएम अस्पताल लगातार अब सुर्खियों में है क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर क्या कुछ है, इस बयान में हमने साफ तौर पर देखा। 30 घंटे के बाद यदि हृदय रोग से ग्रसित मरीज को एम्बुलेंस मिल रहा है तो और मरीजों की क्या कुछ स्थिति हुई होगी वहां। देखिए, सही आप कह रहे हैं कि एमजीएम अस्पताल में जो 108 एम्बुलेंस है वो अब यहाँ पर पूरे अगर जिले की बात करें तो 16 एम्बुलेंस पूरे जिले में दिया गया है। 108 जो नई गाड़ियां हैं, जो पहली गाड़ियां थी, वो मिलाकर लगभग 25 एम्बुलेंस जो है कि पूर्वी सिंहभूम जिला को है। हर हॉस्पिटल को अलग अलग है, जिसमें 8 एम्बुलेंस जो है कि एमजीएम अस्पताल को मिला है, उसके बाद में सदर अस्पताल को है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस है वो समय पे नहीं पहुंचता, उसकी मनमानी चलती है और उसका नतीजा है कि इससे पहले एक मरीज ने दम तोड़ दिया अस्पताल में ही। हम लोगों ने खबर दिखाई थी, उसके बाद लगा कि कम से कम अब ये लोग जागरूक हो जाएंगे और निश्चित तौर पे ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के जिंदगी और मौत का सवाल होता है। एम्बुलेंस का उपयोग तभी आदमी करता है जब आदमी या तो बीमार होता है या उसको अंतिम समय के लिए मोक्ष वाहन की जरूरत पड़ती है, तो दोनों स्थिति में पूरा मामला क्रिटिकल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी 108 एम्बुलेंस को जो ड्राइवर है वो और इसको जो पूरे चलाने वाली जो कमिटी है, वो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ के एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक में पड़ता है, क्योंकि इनकी जवाबदेही है और साथ साथ दूसरी जवाबदेही अगर करें तो जिले के जो सिविल सर्जन है उनकी जवाबदेही, क्योंकि पूरे जिले की चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेवारी इनके कंधे पे है। तो गरीबों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, हालांकि हर आदमी के लिए एम्बुलेंस है, कोई भी व्यक्ति 108 पर अगर फोन करे तो उसे एम्बुलेंस मुहैया करा दी जाए। सरकार नई नई गाड़ियां दे दी हैं, उसमें तकनीकी भी है, सारी व्यवस्थाएं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्राइवर है या जो चलाने वाले लोग हैं वो समय पर नहीं पहुंचते, यहां तक कि उनको पैसा चाहिए और परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये लोग पैसे का डिमांड करते हैं, जिसका ये नतीजा है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। वही अगर पैसे का डिमांड कर दिया जाए कि हम आपको पैसा देंगे, आप आइए तुरंत पहुंचते हैं, तो आप 30 घंटे तक ये महिला जो है अस्पताल में परेशान रही, घूमती रही पुर्जा लेकर कि आखिर
जो हमें रिम्स भेजा जा रहा है, यहाँ से रेफर कर दिया गया, मेरा पेशेंट की हालत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। 30 घंटा एक लंबा वक्त होता है, 30 घंटे में न तो किसी अधिकारी ने सुना और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आया अस्पताल का जो कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था कराए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम जो पेशेंट है वो कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन इतना जरूर है स्थिति और खराब हो गया। हार्ट का बीमारी है, हार्ट ब्लॉकेज है, अस्पताल ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि आप रिम्स भेजेंगे, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। रिम्स भेजने के लिए इन्होंने पुर्जा थमा दी कि आप जो है कि यहां से एम्बुलेंस से चले जाइए रिम्स, लेकिन ये परिवार गरीब है, ये तड़पता रहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अंततः दूसरी व्यवस्था की गई, जो स्थानीय नेता है उनको बुलाया गया, तब जाकर वो एम्बुलेंस की व्यवस्था, वो भी बाहर से एम्बुलेंस किया गया, जो वहां पे प्राइवेट एम्बुलेंस है वो गया है, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और नहीं गया है। अब आप समझिए ये पूरी की पूरी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ पे सिविल सर्जन है या एमजीएम अस्पताल में अधीक्षक है, और इसको लेकर एमजीएम अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने भी कहा है कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, गंभीर समस्या है और इसकी शिकायत राज्य में विभाग से कर दी गई। अब ये देखने वाली होगी बात की विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस